कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो पुणे में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा उसके लिए ऋषभ पंत फिट हो गए हैं। उनकी इंजरी जो पहले टेस्ट में उन्हें लगी थी अब वो उससे रिकवरी कर चुके हैं और वो प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आ सकते हैं, ऐसी अपडेट सामने आ रही हैं। और खबर ये है जो बीसीसीआई सोर्सेज के हवाले से खबर सामने आई है कि ऋषभ पंत फिट टू प्ले इन इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड सेकेंड टेस्ट मैच पुणे में खेला जाएगा। 24 अक्टूबर से ये टेस्ट मैच शुरू होगा, इसमें ऋषभ पंत खेल सकते हैं, विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं और बल्लेबाजी तो उन्होंने बेंगलुरु टेस्ट में भी की थी। आपको बता दें ऋषभ पंत जब विकेट कीपिंग कर रहे थे तब रविंद्र जडेजा की एक बॉल उनके नी पर जाकर के लग गई थी, घुटने पर लगने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और तुरंत उन्हें विकेट कीपिंग छोड़ करके वापस जाना पड़ा था। पंत की गैर मौजूदगी में मैदान पर ध्रुव जुरेल ने विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभाली थी। हालांकि जब बल्लेबाजी करने की बारी आई तो ऋषभ पंत को बैटिंग करने का मौका मिला और उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, 99 रन स्कोर किए, लेकिन बैटिंग करते समय भी ऋषभ पंत को रनिंग में दिक्कत हो रही थी। और रोहित शर्मा भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तो उन्होंने बताया था कि ऋषभ पंत के जिस घुटने की सर्जरी हुई थी पिछले साल जब वो एक्सीडेंट के शिकार हो गए थे, उसी घुटने पर ऋषभ पंत को बॉल लगी थी जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और रोहित शर्मा ने यह भी कहा था कि टीम मैनेजमेंट हम लोग किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहते ऋषभ पंत को लेकर के। ऋषभ पंत सबसे अहम खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के टेस्ट टीम में और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी अगले महीने शुरू होने वाली है, इसलिए ऋषभ पंत को एहतियातन रूप से विकेट कीपिंग से हटा दिया गया था। हालांकि बल्लेबाजी में उनकी ज़रूरत थी, उन्होंने बैटिंग भी की और करके भी दिखाया और इसीलिए जब दोबारा से टीम इंडिया फील्डिंग करने आई तब भी ऋषभ पंत ने विकेट कीपिंग नहीं की थी, ध्रुव जुरेल ने ही विकेट कीपिंग की थी। लेकिन अब अपडेट सामने आ रही है कि ऋषभ पंत दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार हैं, वो प्लेइंग 11 में शामिल भी होंगे, बैटिंग भी करेंगे और विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं। अब देखते हैं प्लेइंग 11 को लेकर के गौतम गंभीर और रोहित शर्मा ऋषभ पंत पर फाइनल फैसला क्या लेते हैं। अगर ऋषभ पंत फिट हैं, टोटली फिट हैं, उन्हें पेन भी नहीं हो रहा है तब तो उन्हें जरूर खिलाना चाहिए, लेकिन अगर उन्हें जरा सी भी दिक्कत है, परेशानी है, क्योंकि विकेट कीपिंग बहुत टफ काम होता है, मुश्किल काम होता है, विकेट कीपर के लिए घुटने का फिट रहना बहुत जरूरी है और अगर ऋषभ पंत के घुटने में जरा सी भी दर्द है या पेन है तो फिर उन्हें विकेट कीपिंग नहीं करनी चाहिए और उन्हें एक टेस्ट मैच के लिए रेस्ट भी दिया जा सकता है, क्योंकि टीम इंडिया को अगले महीने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाना है। लेकिन रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं कि ऋषभ पंत पुणे टेस्ट में खेलते हुए नजर आ सकते हैं।